शहीद का अपमान हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहीद की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, वह तो देश की धरोहर होता है। शहीद मोहसिन ने देशवासियों की हिफाजत के लिए अपनी जान दी है, लेकिन शासन और प्रशासन ने शहादत का अपमान किया है। यह कहना है 31 जुलाई 2020 को शहीद हुए झुंझुनू के लाडले मोहसिन के परिजनों का। जी हाँ, आपको बता दें कि ग्रामीणों में बहुत अधिक गुस्सा है। एक बेटे ने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, न ही प्रशासन की ओर से कोई सम्मान पेश किया गया। सिर्फ SHO मौके पर मौजूद थी, न ही प्रशासन की ओर से कोई तैयारी की गई। जल्दबाजी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। झुंझुनू के मलसीसर तहसील में कोलिंडा निवासी मोहसिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में नौशेरा पाकिस्तान की गई सीज फायर के उल्लंघन में शहीद हो गया था। शहीद मोहसिन का पार्थिव देह गांव पहुंचा, सुपुर्दे खाक किया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार शहीद का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। जिला प्रशासन की ओर से रिचले पुष्प चक्र भी नहीं चढ़ाए गए। प्रशासन और सरकार का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। कायम मखानी महासभा के राजस्थान के संयोजक कर्नल शौकत खान कहते हैं कि शहीद तो देश की धरोहर है। यह बहुत ही शर्म की बात है, प्रशासन ने शहीद का अपमान किया है। प्रशासन की ओर से कोई व्यक्ति दाह संस्कार में मौजूद नहीं होना बहुत शर्म की बात है। इस राष्ट्रभक्त परिवार को अपने लाडले की शहादत के अपमान पर गुस्सा है। इस परिवार के 11 लोग सेना में कार्यरत है। शहीद का पिता भी सेना से रिटायर्ड है, बड़ा भाई भी सेना में है। परिजनों का कहना है कि उनके लाडले को पूरा सम्मान नहीं मिला। जहां पर भी गलती रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। शहीद मोहसिन के बड़े चाचा यूनुस का कहना है कि शहीद को अंतिम सलाम के वक्त पूरा सम्मान नहीं मिला। प्रशासन के आला अधिकारी, जिला SDM, जिला कलेक्टर, SP सभी मुख्यालय पर मौजूद थे, लेकिन कोई भी शहीद के सम्मान में अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। यह बहुत ही अपमान की बात है। शहीद मोहसिन के अंतिम संस्कार में शासन और प्रशासन में कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस नेता खलील बुडाना सरकार के सामने उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शहीद का अपमान देश का अपमान है। शहीद मोहसिन ने देश के लिए अपनी जान दी है। मोहसिन खान को मैं सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं। शहीद मोहसिन खान ने जो अपनी जान की बाजी लगाई, जो कुर्बानी दी, वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है। लेकिन मैं कायम खानी होने के नाते, क्योंकि कायम खानी परिवार से आज तक 206 शहीद हो चुके हैं, मोहसिन खां उनके अंदर शामिल है। जिला कलेक्टर प्रशासन ने जो यहां न आकर उनके सम्मान में सम्मिलित न होकर जो गलती की है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस तरह से कायम खानी समाज की तरफ से एक सबके सामने ये प्रस्ताव भेजना चाहता हूं, वो प्रशासन के पास हो, इसी के आपके माध्यम से CM हो या प्रशासनिक आर्मी के जो भी अधिकारी हैं उनको जो भी इसके ऊपर एक्शन लिया जाए वो एक्शन लेना चाहिए। ये एक मोहसिन खान का नहीं है, ये पूरे परिचय तो बुला। कायम खानी समाज के नहीं बल्कि जितने भी सैनिक हैं उन सबका अपमान है जो शहीद हुए उनका। मैं उमेर खान, जिला कायम खानी, जिला अध्यक्ष झुंझुनू। मैं शहीद मोहसिन खान का ताऊ लगता हूँ रिश्ते में, और मेरे परिवार से आज के दिन भी 11 फौजी हमने देश सेवा के लिए दे रखे हैं। हमारा भतीजा मोहसिन खान देश के लिए कुर्बान हुआ, उसकी जो अंतिम तैयारी थी या उसको अंतिम सलाम जो मिलना चाहिए था, उसको अंतिम आदर सत्कार उसको मिलना चाहिए था, वो यहाँ की जिला प्रशासन मान लो, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मान लो, किसी न किसी को तो कहीं न कहीं कोताही बरतने की वजह से, और उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिल पाया। और इस बात का हमें और गांव वालों को और पूरे कायम खानी समाज को इस बात का बड़ा दुख है कि एक शहीद जो देश के लिए कुर्बान हो और उसको अंतिम बार का जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उसको नहीं मिला, तो ये बड़े ही दुख की बात है। इसके लिए कौन आदमी जिम्मेदार है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी न किसी ने तो अपनी जिम्मेदारी से जरूर मुंह मोड़ा है, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे वो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हो।
तो आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए इन लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और बाकी मोहसिन खान को खुदा जन्नत नसीब करे। जिस पलटन में मोहसिन खान थे 16 ग्रेनेडियर्स में, 14 ग्रेनेडियर्स में सीनियर जेसीओ रहे और इनके भाई भी फौज में रहे। इस परिवार से 11 मेंबर है। कितनी बड़ी बात है कि इस अकेले परिवार से आज के दिन 11 फौजी हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गांव की कैसी परंपराएं हैं। जहां तक मोहसिन खान का सवाल है, उसके भाई भी कश्मीर में उसी इंसर्जेंसी में ड्यूटी पे तैनात थे जो अपने छोटे भाई की लाश अपने कंधों पर लेकर के यहां पहुंचे। उस बहादुर को भी हम सलाम करते हैं। अगर अफसोस है तो एक छोटा है वो इस बात का कि कोई भी सैनिक अपने देश के लिए जो जान कुर्बान करता है वो राष्ट्र की धरोहर होती है, देश की धरोहर होती है, किसी जाति या धर्म की नहीं होती। उस राष्ट्र की धरोहर का अगर सम्मान नहीं दिया जाए, उसको प्रॉपर इज्जत नहीं दी जाए, तो वो राष्ट्र के लिए दुख की बात है। और ऐसा इस केस में जो खबरें मिल रही हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके मुताबिक शासन और प्रशासन दोनों ने इसमें ढिलाई बरती है। यहां तक कि जो प्रोटोकॉल में रीत ले होती है, प्रॉपर रीत भी यहां पर ले नहीं हो पाई। ये पूरे राष्ट्र के लिए सोचने की बात है कि इसके लिए जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ। और इस बात को कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ भविष्य में न हो, इसके लिए हमें आवाज इसके लिए उठानी पड़ेगी। किसी भी राष्ट्रभक्त को या किसी भी देश को कुर्बान वाले होने वाले व्यक्ति को उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है। एक बार फिर मैं इस गांव को सलाम करता हूं, इस धरती को सलाम करता हूं और जीडीआर शहीद मोहसिन खान को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। जिस रोज पूरा हिंदुस्तान बलिदान का दिन बकरीद मना रहा था, वो भी शहादत का दिन है मना रहा था, उस रोज एक सैनिक अपने पुत्र के जनाजे को कंधे पे लेकर के कब्रिस्तान जा रहा था और एक भाई नौशेरा सेक्टर से मोहसिन खान जैसे शेर को लेकर के आया। लेकिन अफसोस इस बात का कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान झुंझुनू जिले का प्रशासन, कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। क्योंकि झुंझुनू जिला एक सैनिकों का जिला है, सैनिक बहुल का जिला है, इस जिले में इस तरह की कोताही है। मैं कहता हूं इस बात को कि हम सोनिया जी को लेटर लिख रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेटर लिख रहे हैं और मिले भी गए जाकर के, फौज से रहे हैं, फौज में सारे काम किए हैं। आज जिस तरह से एक कानखानी समाज के लाडले ने आज तकरीबन 200 से ऊपर समाज के लोगों ने बलिदान दिया, आज इस नौजवान 22 साल के बच्चे की शहादत का इतना बड़ा शासन और प्रशासन के द्वारा अपमान, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दोषी व्यक्ति को जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक इस जिले का बच्चा बच्चा नहीं बैठेगा। अपने सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक है उनसे भी बात की है, कामखानी समाज से ही बात की है और समाजों से ही बात की है। इन्होंने एक नाइंसाफी की एक शहीद के साथ में, इस नाइंसाफी का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, वो बॉर्डर पे शहीद हुआ है, हम यहाँ गांव में शहीद हो जाएंगे लेकिन जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दिला करके रहेंगे। ये हमारी अपील है, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। बॉर्डरों पे शहादत दी है और शहादत का मतलब होता है क्या, शहादत की वजह से सब कुछ सुरक्षित है? नहीं तो राजस्थान सरकार का कोई व्यक्ति, राजस्थान सरकार का सैनिक कल्याण मंत्री का आज तक कोई समाचार नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता टेलीविजन पे, जिला कलेक्टर का कोई समाचार नहीं, जिला एसपी का कोई समाचार नहीं, सैनिक कल्याण अधिकारी गैर जिम्मेदारी की बातें करता है, बोलिए कहां जाएगी ये जनता? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया जाएगा और हम जयपुर आकर के सीएमओ का भी घेराव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शहीद से बड़ा न कोई पार्टी है, न कोई शासन है, न प्रशासन है। शहीद का अपमान इस जिले का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जा रही है, उस रूपरेखा के तहत हम सब लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं और इस जिले में बड़ा रोष है।
समाज के हर वर्ग में रोष है, युवाओं में रोष है कि एक त्योहार के दिन, अरे 12 महीने का त्योहार आता है, उस दिन क्या बीती होगी जिस बच्चे की शादी की तैयारी हो रही हो और उसको